राज्यपाल एनएन वोहरा ने गुरुवार को राज्य प्रशासनिक परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। राज्यपाल के सलाहकार बीबी व्यास, के विजय कुमार और खुर्शीद अहमद गनाई के अलावा मुख्य सचिव बीवी आर सुब्रमण्यम ने बैठक में भाग लिया। एसएससी ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में हल्का पंचायतों के मतदाताओं द्वारा सीधे हल्का पंचायतों के निर्वाचन के चुनाव आयोजित और न कि पंचों में से सरपंचों को चुनने की अप्रत्यक्ष विधि से करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में मूल स्थिति बहाल करेगा, जो 2016 में पारित एक संशोधनों द्वारा निर्धारित स्थिति है, जिसमें सरपंच के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए प्रदान किया गया है। इस संशोधन को करने की आवश्यकता पंचायती राज प्रणाली में सरपंचों की प्राथमिकता और महत्व को बहाल करना और उन्हें अपने कार्यों का निर्वहन करने सक्षम होने के लिए आवश्यक वैधता देना था। यह पंचायती राज प्रणाली में स्थिरता प्रदान करता है और त्वरित विकास सुनिश्चित करता है, जो स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रत्यक्ष चुनाव भी मध्यवर्ती समूह की बजाय सरपंच सीधे लोगों को उत्तरदायी बनाते हैं। इसके अलावा यह संशोधन जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में 73वें संवैधानिक संशोधन की भावना लाता है।